बेस्ट सैमसंग फोन अंडर 25,000। देखो हम सभी को पता है कि जो सैमसंग कंपनी है ना वो मार्केट में सबसे पुरानी है। जिसने भी एक बार सैमसंग का फोन यूज कर लिया ना, जब भी उसने फोन चेंज करना या फिर नया फोन लेना है ना, वो दोबारा से सैमसंग का ही फोन बाय करता है। एंड एक और चीज है, मैंने अपनी हर एक वीडियो में ये चीज मेंशन की है कि सैमसंग के फोन की डिस्प्ले एंड उसकी जो कैमरा क्वालिटी है वो मार्केट में दी बेस्ट है हैंड्स डाउन। इवन इफ यू डोंट नो, आईफोन में भी सैमसंग की ही डिस्प्ले यूज की जाती है। तो आज की इस वीडियो टोटली इसी चीज के ऊपर डेडिकेटेड है, बेस्ट सैमसंग फोन अंडर 25,000 रुपीज इन 2023। तो सबसे पहला फोन है सैमसंग गैलेक्सी M33 5G फोन। देखो सैमसंग के M सीरीज का फोन है, काफी बढ़िया फोन है, टोटली ऑलराउंडर स्मार्टफोन में से कह सकता हूँ। एंड इसका प्राइस भी एकदम ही नॉमिनल है, 17,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है। एंड अभी अमेजोन पे 1,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी चल रहा है इस फोन के ऊपर। अगर आप इस फोन को अभी बाय करते हो तो ये फोन आपको 16,000 के प्राइस पॉइंट पे मिल जाएगा। 6.6 इंच की फुल HD TFT वाटर ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले मिल जाती है, वाइड 1L1 सपोर्ट के साथ 2400x1080 पिक्सल्स है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, गोरिल्ला ग्लास 5K प्रोटेक्शन मिल जाती है। सिंपल चीज है कि 17,000 के प्राइस पॉइंट पे आपको जितने भी फोन मिलते हैं ना, उन सभी फोन्स के कंपैरिजन में सबसे बेस्ट डिस्प्ले आपको इसी फोन में मिलेगी। एक्सिनोस 1280 प्रोसेसर है, 5nm बेस, अंतुतु स्कोर अराउंड 410,000 के करीब है। सैमसंग का अपना एक्सिनोस प्रोसेसर दिया गया इस फोन में, 6GB प्लस 6GB वर्चुअल, 128GB स्टोरेज, डुअल सिम प्लस माइक्रो SSD, बैक साइड पे दिया गया क्वाड कैमरा सेटअप, 50MP का मेन कैमरा, 5MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का मैक्रो एंड साथ में 2MP का डेप्थ सेंसर दिया गया, 8MP का आपको फ्रंट सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। अभी थोड़ा ध्यान दो, देखो फोन का जो मेन कैमरा उसे हम 4K 30fps वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 1080p 30fps के साथ, एंड जो इसका सेल्फी कैमरा उससे सिर्फ 1080p 30fps होती है, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती फ्रंट सेल्फी कैमरा से। 5G फोन है, 12 बैंड्स की सपोर्ट मिल जाएगी आपको, 6000mAh की बैटरी कैपेसिटी है, काफी बड़ी बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है आपको फोन में, टाइप C2C 25W तक की चार्जिंग को स्मार्टफोन सपोर्ट करता है। लेकिन एक चीज है कि सेपरेटली बाय करना पड़ेगा हमको अडैप्टर हमें फोन के साथ नहीं दिया गया, एंड्रॉइड 12 मिल जाएगा आउट ऑफ द बॉक्स। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, सेकेंडरी माइक्रोफोन नॉइस कैंसिलेशन, वॉइस फोकस फीचर मिल जाता है, क्रिस्टल क्लियर कॉलिंग, ऑब्जेक्ट इरेजर फीचर के साथ ही नॉक सिक्योरिटी दोनों की सपोर्ट मिल जाती है, एंड 2 साल की सॉफ्टवेयर अपडेट एंड 4 साल की सिक्योरिटी अपडेट दी गई है फोन में। तो आपने इस फोन को जरूर कंसीडर करना, इसका जो करंट प्राइस है दैट इज ओनली 17,000 रुपीज, बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जस्ट गो फॉर इट। अगला फोन है सैमसंग के एकदम ही लेटेस्ट सीरीज का, सैमसंग गैलेक्सी A23 5G फोन। अभी रिसेंटली 2023 में स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, 22,000 रुपए इसका करंट प्राइस है। 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है, वाटर ड्रॉप नॉच, वाइड 1L1 सपोर्ट के साथ, 2400x1080 पिक्सल्स है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, गोरिल्ला ग्लास 5K प्रोटेक्शन, स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर दिया गया, 4,03,000 के करीब इसका अंतुतु स्कोर है। एंड गेमिंग के लिए प्रोसेसर बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, अगर आपने अपने फोन के ऊपर गेमिंग करनी है तो ये फोन आपने बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना। 6GB 128GB स्टोरेज, डुअल सिम प्लस SD कार्ड, क्वाड कैमरा सेटअप ऑन बैक, 50MP का मेन कैमरा OIS सपोर्टेड, 5MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का मैक्रो एंड 2MP का डेप्थ सेंसर है, 8MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा, मेन एंड फ्रंट दोनों से हम 1080p 30fps रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 5G के 10 बैंड्स की सपोर्ट मिल जाती है, 5000mAh की बैटरी कैपेसिटी हो गई, टाइप सी 15W का चार्जर आपको फोन के साथ मिल जाएगा, लेकिन ये फोन 25W तक की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। एंड्रॉइड 13 दिया गया एकदम ही लेटेस्ट, नॉक सिक्योरिटी, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 2 साल की OS एंड 4 साल की सिक्योरिटी अपडेट। इतना बढ़िया फोन है एंड इसका जो प्राइस पॉइंट है दैट इज ओनली 22,000 रुपीज। 6GB 128GB वेरिएंट का प्राइस है 22,000 रुपीज एंड 8GB 128GB वेरिएंट आपको मिल जाएगा अराउंड 25,000 के आसपास। तो आपने इस फोन को भी जरूर कंसीडर करना है। नाउ दिस इज सैमसंग गैलेक्सी A33 5G फोन। टोटली ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, आपके जितने भी डेली डे टू डे टास्क हैं बहुत ही बढ़िया से हैंडल कर लेगा स्मार्टफोन। 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, प्लास्टिक बैक है, दिखने में बहुत ही प्रीमियम लगता है स्मार्टफोन एंड साथ में इसके जो इन हैंड फील है वो भी बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है। एकदम ही बढ़िया सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है आपको 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, गोरिल्ला ग्लास 5K प्रोटेक्शन, 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, एशिया 10 प्लस, 2400x1080 पिक्सल्स है, एक्सिनोस 1280 प्रोसेसर है, 5nm बेस, 3.5 लाख के करीब इसका अंतुतु स्कोर है। गेमिंग के लिए इसे भी आपने कंसीडर नहीं करना। 6GB 128GB स्टोरेज, हाइब्रिड सिम स्लॉट, बैक साइड पे दिया गया क्वाड कैमरा सेटअप, 48MP का मेन कैमरा OIS सपोर्टेड, 8MP का अल्ट्रा वाइड है, 5MP का मैक्रो एंड 2MP का डेप्थ सेंसर है, ड्रॉप नॉच में 13MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा। नाउ द थिंग इसके इसका जो मेन एंड फ्रंट कैमरा ना, दोनों से हम 4K 30fps रिकॉर्ड कर सकते हैं। मेन कैमरा से 1080p 30 के साथ ही 60fps भी रिकॉर्डिंग हो जाती है, बट जो सेल्फी कैमरा है उससे 1080p ओनली एट 30fps होती है, 60fps 1080p फ्रंट कैमरा नहीं करता इसका। बट ओवरऑल देखा जाए 4K वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों ही कैमरा से मिल रही है, काफी बड़ा प्लस पॉइंट है ये। 5G के 12 बैंड्स की सपोर्ट, 5000mAh की बैटरी कैपेसिटी, टाइप C2C 25W तक की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, 50% बैटरी आधे घंटे के अंदर चार्ज हो जाती है, अडैप्टर हमें सेपरेटली बाय करना पड़ेगा। UEFI 4.1 मिलेगा बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12, IP67 रेटिंग, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, 4 साल की सॉफ्टवेयर एंड 5 साल की सिक्योरिटी अपडेट मिल जाती है। इन सिंपल वर्ड्स, अगले 4-5 सालों तक ये फोन आपका कहीं नहीं जाने वाला, लंबे टाइम तक आप इस फोन को यूज कर सकते हो। बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड इसका जो करंट प्राइस है दैट इज ओनली 25,000 रुपीज।
नाउ दिस इज सैमसंग गैलेक्सी M53 5G फोन। देखो बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर दिया गया फोन के अंदर, ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, बढ़िया कैमरा के साथ ही सब कुछ एकदम बेस्ट मिलेगा आपको इस फोन में। 6.7 इंचेस की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले वाइड 1L1 सपोर्ट के साथ 2400x1080 पिक्सल्स मिल जाते हैं। सेम 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, गोरिल्ला ग्लास 5G प्रोटेक्शन, मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 प्रोसेसर है विच इज अ 6nm बेस्ड प्रोसेसर, 430,000 के करीब इसका अंतुतु स्कोर है। ओकेजनल गेमिंग आप इस फोन के ऊपर कर सकते हो विदाउट एनी इशू। 6GB 128GB स्टोरेज, हाइब्रिड सेम स्लॉट, बैक साइड पे क्वाड कैमरा सेटअप, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया एकदम ही बढ़िया, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ है एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, सेंटर पंचोल में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, फ्रंट एंड बैक दोनों से हम 4K 30fps रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 5G के 12 बैंड्स की सपोर्ट मिल जाती है, 5000mAh की बैटरी कैपेसिटी, USB टाइप सी टू सी, 25W तक की चार्जिंग, अडेप्टर हमें सेपरेटली बाय करना पड़ेगा, 1 UI 4 मिलेगा बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12, सेकेंडरी माइक फॉर नॉइस कैंसिलेशन, नॉक सिक्योरिटी के साथ ही ऑटो डेटा स्विचिंग जैसे फीचर्स की सपोर्ट मिल जाती है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक दोनों की सपोर्ट दी गई है फोन में, 2 साल की सॉफ्ट एंड 4 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट एंड इसी के साथ ही ऑब्जेक्ट इरेजर फीचर की भी सपोर्ट मिल जाती है आपको। एंड इतना बढ़िया फोन आपको सिर्फ 25,000 के प्राइस पॉइंट पे मिल जाएगा। सैमसंग गैलेक्सी A34 5G फोन। देखो ये फोन उनके लिए जो अपने बजट को थोड़ा सा पुश कर सकते हैं, 30,000 वाला फोन है ये एंड 30,000 के बजट में ना एक्चुअल में दी बेस्ट स्मार्टफोन है ये। अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ, दिखने में बहुत ही बढ़िया लगता है स्मार्टफोन, आप खुद ही देख सकते हो कितना प्रीमियम डिजाइन है फोन का। 6.5 इंचेस की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले वाटर ड्रॉप नॉच में वाइड 1L1 सपोर्ट के साथ 2340x1080 पिक्सल्स है, गोरिल्ला ग्लास 5K प्रोटेक्शन, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, एशिया 10 1000 Hz की ब्राइटनेस मिल जाएगी आपको, मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 प्रोसेसर है, 512,000 के करीब इसका स्कोर है। अभी तक के जितने भी फोन मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया ना, सबसे तगड़ा प्रोसेसर आपको इस फोन में मिल जाएगा, बट फिर भी सच्ची में इसके ऊपर भी आप सिर्फ ओकेजनल गेमिंग कर सकते हो। अगर आपको हार्डकोर गेमिंग के लिए स्मार्टफोन चाहिए फिर भी ये फोन आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है। 8GB 128GB स्टोरेज, हाइब्रिड सिम स्लॉट, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा OIS के साथ, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, मेन एंड सेल्फी दोनों कैमरा से हम 4K 30fps वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, 11 बैंड्स की सपोर्ट मिल जाएगी 5G के, 5000mAh की बैटरी कैपेसिटी, 25W तक की चार्जिंग को स्मार्टफोन सपोर्ट करता है, USB टाइप सी टू सी, अडैप्टर सेपरेटली बाय करना पड़ेगा, एकदम ही लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 दिया गया फोन में, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ ही डुअल माइक है, नॉक सिक्योरिटी, वॉइस फोकस फीचर फॉर क्रिस्टल क्लियर कॉलिंग, IP67 रेटिंग, 4 साल की OS अपडेट एंड 5 साल की सिक्योरिटी अपडेट। तो आपने स्मार्टफोन को जरूर कंसीडर करना है, इस बजट का वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग स्मार्टफोन है एंड सभी के बेस्ट स्पेलिंग्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो दीज आर द बेस्ट सैमसंग फोन अंडर 25,000 rupees इन 2023। देखो सिंपल चीज है कि मैंने 17,000 से लेकर ना 30,000 के जितने भी फोन सैमसंग के बढ़िया मिलते हैं ना मार्केट में सबके बारे में बता दिया आपको। आपने सिर्फ एक चीज करनी है कि आपने सबसे पहले अपना बजट डिसाइड करना है। आफ्टर डिसाइडिंग और बजट जो भी फोन मैंने आपको बताया ना सिंपली आप जाके उसे बाय कर लो अपने बजट के अकॉर्डिंग। ये सभी के सभी स्मार्टफोन्स एकदम दी बेस्ट हैं। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। वीडियो अगर आपको बढ़िया लगी तो प्लीज यार इसे लाइक एंड शेयर करें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।